वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी। टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ प्लस वन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्कल्पचर ऑफ नटराज विच यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। दिस इज कॉल्ड नटराज। यहाँ पे शिवा को एज द किंग ऑफ कॉस्मिक डांस प्रेजेंट किया गया है और इस स्कल्पचर में अलग अलग पार्ट्स के बारे में यहाँ पे इस स्क्रीन पे आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है। अलग अलग पार्ट्स के नेम दिख रहे हैं, जैसे फ्लेम्स ऑफ फायर है ऊपर, उसके बाद कैशिया लीव्स हैं, उसके बाद स्मॉल ड्रम है शिव जी के हाथ में है जो, और एक स्नेक है उसमें जो उसके वेस्ट के आसपास लिपटा हुआ है, और आर्म्स लेग्स शिवा की। और यहाँ पे वो फ्लेम ऑफ फायर जो दिखाए गए हैं, और साथ में एक क्रिसेंट मून भी दिखाया गया है यहाँ पे जो शिवजी के सर के ऊपर दिखाई दे रहा है, और साथ में जो गंगा का फ्लो है, रिवर गंगा का फ्लो है जो, वो भी उनके हेड पे दिखाया गया है, और लोटस पेडेस्टल है जिसके ऊपर ये सारी स्कल्पचर आर्ट जो की गई है। तो इस स्कल्पचर का नाम है नटराज। मीडियम ब्रॉन्ज स्कल्पचर है ये, ब्रॉन्ज से बना हुआ है सारा। पीरियड 12th century AD, डायनेस्टी चोलास डायनेस्टी है। लोकेशन है जो थिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, और कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। थीम और सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस स्कल्पचर। नटराज मीन्स शिवा एज अ किंग ऑफ डांसर्स। नटराज का मतलब है शिवा को एज अ किंग ऑफ डांसर्स यहाँ पे दिखाया गया है। नटराज, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं हमारे पास, नट मीन्स नृत्य और राज मीन्स राजा। तो नटराज मीन्स नृत्य का राजा, डांसर्स का किंग उनको दिखाया गया है। दिस स्कल्पचर इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्सल सर्कल ऑफ लाइफ। और ये स्कल्पचर है जो, वो एक सिंबल भी है यूनिवर्सल सर्कल ऑफ लाइफ का। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस स्कल्पचर। नटराज is an extraordinary sculpture of the rich cultural heritage of India by the 12th century CE. The Chola Nataraja became the supreme statement of Hindu art. और 12th century में जो चोला नटराज, चोला dynasty के दौरान ये बनाया गया था sculpture, तो ये हिंदू आर्ट में सबसे सुप्रीम है। द फ्रेंच स्कल्प्टर ऑगस्टी रॉडिन हैज सेड देयर इज ग्रेस इन एलिगेंस बट बियॉन्ड ग्रेस देयर इज परफेक्शन। और यहाँ पे एलिगेंस में ग्रेस है जो ऑगस्टी रॉडिन ने उनका कहना है, जो ऑगस्टी रॉडिन है उसका कहना है कि एलिगेंस में ग्रेस है, पर उस ग्रेस के भी आगे परफेक्शन है इस स्कल्पचर में, क्योंकि इसमें हर एक चीज इतने रियलिटी में इतनी ब्यूटीफुली जो प्रेजेंट की गई है कि एक परफेक्ट स्कल्पचर इसे कहा जा सकता है। नटराज इज स्टैंडिंग इन अतिभंगा विद फोर हैंड्स रिप्रेजेंटिंग द कार्डिनल डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। और वो अतिभंगा पोज में खड़े हैं
और उनके फोर हैंड्स हैं जो वो फोर कार्डिनल डायरेक्शंस को शो कर रहे हैं, एक टुवर्ड्स ईस्ट और दूसरा टुवर्ड्स वेस्ट, तीसरा टुवर्ड्स नॉर्थ एंड द फोर्थ वन इज टुवर्ड्स साउथ। सराउंडिंग शिवा अ सर्कल ऑफ फ्लेम्स, और जो फ्लेम का सर्कल है उनके आसपास जो दिखाया गया है उसमें फ्लेम्स फ्लेम्स ऑफ फायर दिखाए गए हैं। ज्वालामाला रिप्रेजेंट्स द होल यूनिवर्स ऑफ एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इन वन फ्रेम, द कॉस्मोस ऑफ मास टाइम एंड स्पेस। और ये सारी चीजें आपको एक ही फ्रेम में यहाँ पे दिखाई गई हैं। जो एंडलेस साइकिल है बर्थ एंड डेथ का वो यहाँ पे ये स्कल्पचर रिप्रेजेंट कर रही है। वन फ्लेम इज हेल्ड इन शिवाज लेफ्ट रियर पाम, और जो एक फ्लेम ऑफ फायर है वो शिवा के लेफ्ट रियर पाम में भी दिखाया गया है। द फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन विच सिग्निफाइज फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म आउट ऑफ विच अ न्यू वर्ल्ड विल अराइज, और जो फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसको सिग्निफाइज किया गया है फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म, और उसी में से एक न्यू वर्ल्ड अराइज होता है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। His left front arm across his chest has its hand pointing downwards in Gajhast mudra towards his elegantly upraised left foot. और जो left front arm है उसकी, उसको उसकी chest के पास से लेके Gajhast mudra में जो upraised left foot है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, उसकी तरफ इशारा करता हुआ उसकी तरफ पॉइंटिंग दिखाया गया है डाउनवर्ड्स। हिज राइट फुट क्रशस रिक्लाइनिंग फिगर ऑफ ड्वार्फ अप्समरा हु स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस, और जो राइट फुट है उनका वो अप्समरा की एक ड्वार्फ फिगर, एक छोटी सी फिगर है जो उसके ऊपर दिखाया गया है, और वो अप्समरा वो इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। शिवाज राइट फ्रंट हैंड इज रेज्ड इन अभया मुद्रा, और जो उनका राइट फ्रंट हैंड है वो अभया मुद्रा में दिखाया गया है। द फियर नॉट जेस्टर ऑफ ब्लेसिंग व्हाइल हिज राइट रियर हैंड होल्ड्स अ ड्रम और डमरू, और जो राइट रियर हैंड है वो डमरू पकड़े हुए दिखाया गया है। विद विच ही कीप्स द बीट ऑफ डांस, और साथ में जो के बीट ऑफ डांस को शो कर रहा है। स्नेक्स दैट सिंबलाइज ईगो आर सीन कर्लिंग अराउंड हिज आर्म्स लेग्स एंड हेयर, और जो स्नेक है वो उनके आर्म्स लेग्स और हेयर के अराउंड कर्लिंग फॉर्म में दिखाया गया है। हिज हेयर इज ब्रेडेड एंड डेकोरेटेड, और हेयर को जटों के रूप में दिखाया गया है और ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है। द स्नेक अराउंड द वेस्ट इज फॉर कुंडलिनी द शक्ति और डिवाइन फोर्स दैट इज बिलीव्ड टू रिजाइड विद इन एवरीथिंग, और जो स्नेक है वेस्ट के आसपास दिखाया गया है वो एक उस शक्ति का प्रतीक दिखाया गया है जो कि हर एक चीज में है। द क्रिसेंट मून ऑन हिज हेड हेयर ब्रेड्स स्प्रेड लाइक वेवी रेज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द शोल्डर्स कंप्लीट द आइकनोग्राफी, और उनके सर पे अर्धचंद्र दिखाया गया है और हेयर जटों के रूप में वेवी रेज की फॉर्म में दिखाए गए हैं जो कि आइकनोग्राफी को कंप्लीट करते हैं जो उनके शोल्डर्स तक आ रहे हैं।
अ स्मॉल इमेज ऑफ गंगा. द रिवर गॉडेस इन द हेयर सिंबलाइजेज द हार्श फॉल फ्रॉम हेवन टू अर्थ थ्रू शिवाज हेयर. और जो सर पे गंगा को दिखाया गया है वहाँ पे रिवर गॉडेस को हेवन टू अर्थ आते हुए सिंबलाइज किया गया है. हिज मैटर्ड लॉक्स जटाज गेट एक्सटेंडेड एज ही डांसेस विद इन एन आर्क ऑफ फ्लेम्स. और जो मैटर्ड लॉक्स और जटाज हैं उन्हें उन्हें एक्सटेंडेड दिखाया गया है, बढ़े हुए दिखाया गया है. देयर इज अ स्कल ऑन हिज हेड विच स्टैंड्स फॉर हिज विक्ट्री ओवर डेथ. हिज थर्ड आई इज सिंबॉलिक ऑफ हिज ऑमनिसाइंस एंड एनलाइटनमेंट. जो थर्ड आई है वो ऑमनिसाइंस और एनलाइटनमेंट की प्रतीक दिखाया गया है. The face is serene and peaceful with a slight smile. जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि फेस को पीसफुल और सरीन दिखाया गया है. The contrast of an aloof and peaceful face with an active dancing body is completely divine. The whole idol rests on a lotus pedestal. The symbol of the creative forces of the universe. और जो lotus pedestal के ऊपर इस पूरी स्कल्पचर को बनाया गया है. दिस इज अ marvelous एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस यूनिटी रिदम एंड हार्मनी. और ये एक marvelous एग्जाम्पल है बैलेंस की, यूनिटी की, रिदम की और हार्मनी की. तो ये थी इस स्कल्पचर के बारे में इंफॉर्मेशन. आगे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके. थैंक यू.